उसका पैर उल्टा था, कह रहा है उसका पैर उल्टा था शायद। उनके गेट के बाहर ही हम लोग ने गाड़ी लगाई है। मैंने सोचा आप लोग को यहाँ से जाते समय दिखा देता हूँ, ये देख रहे हो। और अगर आप लोग देखोगे ना तो ये मुझे लगता है भाई ये नई गाड़ी है। भाई दोस्तों हम लोग आ चुके हैं एक नए हॉन्टेड व्लॉग के साथ और आज का व्लॉग बहुत ही खतरनाक होने वाला है। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग जहाँ पे जाने वाले हैं वो काफ़ी स्केरी जगह है और वहाँ पे बहुत ही कम लोग जाते हैं, क्योंकि हम लोग ने भी बीच में सुना था कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, ये मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर नहीं बताया था। तो इसी तरह आप लोग भी शेयर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, जाके आप लोग वहाँ पे फॉलो कर लो और वहाँ के थ्रू ही आप लोग बता सकते हो कि कोई ऐसे प्लेस में हम लोग विजिट करेंगे। तो अब ऐसा है कि वो यहाँ से करीबन 10 से 15 मिनट दूर होगा, 15 मिनट की दूरी पर है। तो हम अभी कार निकालेंगे और कार से वहाँ पे जाएंगे। वैसे हम लोग ने सोचा था कि हम लोग बाइक से जाएंगे, लेकिन फिर हम लोग ने प्लान चेंज कर दिया, हमने सोचा कि कार से जाएंगे। ये लड़की को हमने बोला था कि तेरे को नहीं आना है, लेकिन फिर भी ये रेडी हो गई है। तो लेट्स सी जो होता है जैसे होता है, हम लोग आप लोग को पूरा दिखाते रहते हैं। वीडियो आप लोग एंड तक देखो, अभी हम लोग निकलते हैं और मिलते हैं आप लोग को कार में। चलो अभी हमारी गाड़ी निकल चुकी है और हम लोग अब जाने वाले हैं, तो आप लोग देख सकते हो। और मैं आप लोगों को अभी टाइम दिखाता हूँ कि कितने बजे हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। एक बार मैं आप लोगों को टाइम दिखा रहा हूँ, ये टाइम देख सकते हो आप लोग, 2:21, मतलब करीबन 2:30 बजने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले गाड़ी को निकालते हैं और ये देख सकते हो विग्नेश भाई भी हमारे साथ और अनिल भाई ये भी है। तो यहाँ से थोड़ा बैक लेते हैं और उसके बाद फिर अभी पता नहीं मुझे कितने दूर का रास्ता है, मैं भी मेरे को लगता है जहाँ पे अभी मैं हूँ यहाँ से करीबन 15 से 20 मिनट का रास्ता है वो। तो अभी बैठते हैं और फिर आप लोगों को मिलते हैं आगे। चलो तो अभी फाइनली हम लोग गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ से कितना दूर है भाई, 15-20 मिनट? 15 मिनट। तो यहाँ से 15 मिनट है और रात के समय हम लोग जा रहे हैं। प्रॉब्लम जो भी होगी जैसा होगा सारी चीज़ें आप लोग को दिखाते हुए जाएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे अभी आप लोग को 5 लोग दिख रहे हैं। ये लड़की को हम लोग नहीं लेने वाले थे क्योंकि लड़की को मतलब थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। अगर आप लोग ने नोटिस किया होगा ना कि मतलब ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है वो सबसे पहले लड़कियों के अंदर ज़्यादा जाती है, तो इसके लिए हम लोग ने इसको मना किया था। लेकिन ये भाई देखो हंस रहे हैं, उनको भी मालूम है कि हम लोग ने इसको मना किया था, सब हंस रहे, लेकिन कोई बात नहीं। आ गई तो क्या हो गया, तो ये खुद के रिक्स पे आई है भाई, तू खुद के रिक्स पे आई है। और ये देखो नींद में भी है, इसको नींद से उठाया गया कि तू मत आ, फिर भी ये बोली कि मेरे को आने का है। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं और जैसा होता है जो होता है आप लोग को दिखाते रहते हैं। वीडियो आप लोग एंड तक देखो और कोई ऐसा पार्ट होगा जो हम लोग आप लोग को नहीं दिखा पाए तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना। अभी पहले यहाँ से निकलते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हो भाई, थोड़ा पीछे लेते हैं क्या कि मैं जाके आऊँ। मैं आप लोग नहीं, यूटर्न मत मारो, आराम से वो पार्किंग लाइट चालू कर दो चाहिए। तो आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी देखो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने ही, मतलब वही रास्ते के पास थे, तो मैंने कुछ चीजें नोटिस की, मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा देता हूँ। वो ज्यादा दूर है क्या भाई? ओ भाई साहब, मतलब एक मिनट में थोड़ा पीछे लेता हूँ, आप लोग को खुद समझ में आएगा। बाप रे बाप, और थोड़ा हल्का सा पीछे, ये देख सकते हो आप लोग, ये देखो, ये देख रहे हो। और अगर आप लोग देखोगे ना तो ये मुझे लगता है भाई ये नई गाड़ी है, ये नई गाड़ी है, मतलब ये ओल्ड नहीं है। अगर आप इसको देखोगे तो नई गाड़ी है। थोड़ा सा आगे लेते हो क्या, मतलब आप लोग देखोगे ना तो ये कितना, मेरे को लगता है ये जली गई है, क्या हुआ है क्या पता, एक्सीडेंट कुछ हुआ रहेगा, है ना, एक्सीडेंट हुआ रहेगा और इसको साइड में कर दिया होगा। तो अगर एक्सीडेंट हुआ होगा तो ऐसा भी होगा ना, किसी की जान गई होगी यहाँ पे, हो सकता है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और आगे की तरफ देखते हैं कि क्या देखने मिलता है। और इसी के जस्ट बाजू में देखो रिक्शा, मतलब दोनों का शायद एक्सीडेंट हुआ होगा और बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है, ये देख सकते हो आप लोग। और अभी आगे की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं आगे की तरफ हमको क्या दिखाने को मिलता है। भाई साहब देखो, हमने एंट्री कर लिया है, ये देख सकते हो, रुको इधर, ये देखो बिल्ली, देख रहे हो? ओ भाई साहब, ये मतलब एंट्री करते ही हम लोगों को कुछ ना कुछ हरकतें यहाँ पे दिखना शुरू हो गई है। आप लोग देख सकते हो, अभी आप लोग रास्ता खुद देख सकते हो कि कितना डरावना है, मतलब ऑलमोस्ट आप लोग देखोगे ना तो बहुत कम गाड़ियां यहाँ से गुजरती है। और रात अगर आप देखोगे तो आज मुझे लगता है अमावस्या की रात है भाई, ये देख रहे हो ऊपर, देखो आपको चांद नजर आता होगा, ये आप लोग ये देखो, देख रहे हो? तो आप लोग ये पूरा देखना, पेड़ देखो, पेड़ देखो भाई साहब,
मतलब ऐसा मतलब कहते हैं कि रात के समय यहाँ से मतलब बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन आज हम लोग जा रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए व्लॉग बनाने के लिए। और मतलब जो भी हमको दिख भाई, ये रास्ता तो बहुत डरावना लग रहा है। अभी हम लोग थोड़ा आगे की तरफ आ चुके हैं और आप लोग खुद देख सकते हो, ये देखो मतलब हर तरफ आपको सिर्फ जंगल ही जंगल दिखेगा। ये देख रहे हो मतलब हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वो भी पूरा जंगल है। ये देखो ओ भाई साहब, मतलब देख रहे हो आप लोग। और अगर ऐसे जगह पे आपको कुछ दिखाई देता है तो वो क्या होगा, तो मैं तो बहुत डर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि हमें कुछ नजर आए भाई साहब। तो अभी और अंदर की तरफ देखते हैं और क्या देखते हैं क्या। तो अभी आप लोग देख सकते हो, ये देखो हम लोग अंदर की तरफ आए। और ये ब्लैक वाला क्या है, ये क्या है? ओ भाई साहब, ऐसा लग रहा था कि, लेकिन देख रहे हो आप लोग, और हर जगह आपको ब्लैक तरीके के ही कुछ डॉग्स देखने को मिलेंगे भाई, बहुत सुनसान है। देखो मुझे लगता है कि जब से हम लोग जा रहे हैं एक गाड़ी यहाँ से नहीं गई है, तो आप लोग खुद समझ सकते हो कि कितना डेंजर है ये। आराम से अभी हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो अभी ऑलमोस्ट हम लोग आगे की तरफ जा चुके हैं और रास्ता बहुत ही डरावना है, तो हम लोग अपनी तरफ से यही कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सेफ रहे और चारों डोर हम लोग ने लॉक कर दिया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ओ भाई फक, ए, क्या? ओ शिट, ये कुछ था क्या? भाई साहब कोई तो आदमी ऐसा ऐसा क्रॉस किया, मैं आपको सामने से दिखा रहा हूँ। तो सामने की तरफ आप लोग देख सकते हो कितना डरावना है। और हम लोग जब हमारा फ्रंट पे था कैमरा, तो हम लोग ने देखा कि कोई ऐसा एक आदमी ऐसा पास किया, हम लोग लिटरली इतना डर गए थे ना भाई साहब। हाँ बीच में से भाग के गया यार। तो अभी हम लोग जहां तक हम लोग जा सकते हैं हम लोग पूरा कवर कर रहे हैं, और जितना आप लोगों को दिखा सकते हैं सारी चीज आप लोग खुद देख सकते हो, एक गाड़ी यहाँ से नहीं गई है। और हर जगह आप लोग को सिर्फ ऐसे झाड़ जंगल यही सारी चीजें दिखेगी भाई साहब। ये जो ये सब पेड़ देख रहे हो, ये देखो तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट थोड़ा आगे की तरफ पहुंच चुके हैं, लेकिन रास्ता बहुत ही रिस्की है, तो हम लोग खुद आगे की तरफ जाने के लिए डर रहे हैं। तो पता नहीं यार, आप लोग ने देख लिया होगा कि कितना कितना बहुत ही स्केरी रास्ता है। ओ भाई साहब, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बहुत डर लग रहा है यहाँ पे। कोई आता है क्या? किसी अपनी गाड़ी चलती है? तो अभी जस्ट हमारी जो गाड़ी है, जो ब्लैक मैजिक, मालूम है आप लोगों को ब्लैक मैजिक होता है, तो वैसे ही बीच रास्ते पे एक तो ये कुत्ते उत्ते भौंक रहे हम लोग के, मतलब डर रहे हम लोग। ब्लैक मैजिक करके कुछ नींबू नारियल और लाल कपड़े में बांध के उसको एकदम सेंटर में, मतलब दो रोड है ना, वो दो रोड के बीच में एकदम रखा गया था। तो अभी जस्ट हमारी गाड़ी उसको क्रॉस की, तो मतलब गाड़ी में जो लोग बैठे हैं वो लोग डर रहे कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम हम लोग को फेस करने को मिले। तो देखते हैं जो भी होगा जैसा होगा आप लोग को बताते रहते हैं। चलो लेट्स सी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये एक कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान के गेट के बाहर ही हम लोग ने गाड़ी लगाई है। मैंने सोचा आप लोग को यहाँ से जाते समय दिखा देता हूँ। और ये रास्ता देख सकते हो आप लोग, बहुत डर लग रहा है मुझे, तो ज़्यादा देर हम लोग यहाँ पे नहीं बैठते, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। तो अभी हम लोग आगे की तरफ निकल रहे हैं। ओ भाई साहब, उसका पैर उल्टा था, कह रहे ये उसका पैर उल्टा था शायद। फाइनली हम लोग आ चुके हैं और गाड़ी वो सारी चीजें हम लोग ने लगा दिए, तो एक एक करके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। भाई आपको ऐसा कौन सा जगह जब हम लोग ट्रेवल कर रहे थे कहाँ पे आपको सबसे ज्यादा डर लगा? ये वो बंदा जब क्रॉस किया तो मैंने देखा बहुत फास्ट भागा। मैं भी ऑब्जर्व किया, मेरी भी नजर गई थी वहां पे बहुत ज्यादा, तो दैट वाज स्कैरी मोमेंट।
अच्छा चलो, हम लोग तो आगे की तरफ गाड़ी चला रहे थे, आप लोग का पीछे से कैसा था, मतलब क्या सोच रहे थे, क्या देख रहे थे? एक्चुअली सोच रहे थे, दिख रहा था मतलब पूरा एकदम पूरा ब्लैंक था, पूरा रोड्स मतलब पूरा एकदम कोई नहीं, सुनसान एकदम। अच्छा मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आप लोगों का ऐसे जगह पे फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। हाँ तो कैसा लगा, सीरियसली बता। सीरियसली मतलब वहाँ पे कैसा था, पूरा रोड जो है एकदम सुनसान था, वहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, वहाँ पे सिर्फ हमारी गाड़ी जा रही है धीरे 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 धीरे, एंड सडनली ऐसा कोई कुछ पास हो गया, मतलब सब लोग शॉक हो गए थे, एकदम फील हो गया। ये तो बहुत ज्यादा हो गई थी, इसका रिएक्शन तो दिखा नहीं पाया मैं। लेकिन और एक और जगह पे जब हम लोग एक कब्रिस्तान की तरफ हम लोग जब वीडियो बना रहे थे, लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको, एक एक्टिवा वहाँ से गई और मुझे ऐसा लगा, शायद तुमने भी नोटिस किया होगा कि वो एक्टिवा, लड़की गाड़ी तो चला रही है लेकिन लड़की थी कि लड़का मेरे को बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, बट उसका जो पैर था वो मतलब पीछे की तरफ था, तो वो भी एक शॉकिंग इंसिडेंट था क्योंकि वहाँ से कोई गाड़ियाँ नहीं गई थी, और जब हम लोग वहाँ पे रुके पीछे तक भी कोई गाड़ियाँ नहीं, तो मतलब ऐसा लगा कि अचानक से कोई गया और उसका पैर उल्टा था। तो यार ये जो भी था, ये मतलब जो भी चीज़ें हम लोग, हाँ हम लोग ने देखा, तो वो चीज़ें हम लोग आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। बाकी आप लोग को क्या लगता है नीचे कमेंट करके बता देना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी देखते हैं हम लोग को नींद आती है कि नहीं, कि वही जोन में रहते हैं हम लोग, वही जोन में हैं वो, तो कैसे तो गाड़ी चला के यहाँ तक आया हम लोग, किसी फटी ना सीरियसली आते हैं, बट ठीक है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस अच्छा था, अभी अच्छा एक्सपीरियंस। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग के पास भी कोई प्लेस होगा तो ज़रूर बताओ। अब देखो कहीं ना कहीं आप लोगों को हम लोग फट्टू भी लगे रहेंगे एकदम क्लियर कट, क्योंकि हम लोग उतरे नहीं थे, एक ही जगह हम लोग उतरे थे, वो भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए उतरे थे, दो से तीन मिनट, वो भी मतलब वीडियो इतना नहीं बना पाए, लेकिन मतलब हिम्मत ही नहीं कर रही थी यार कि हम लोग नीचे उतर के वीडियो बनाए, तो उसके लिए हम लोग खुद भी मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं, नेक्स्ट टाइम कोई भी आप लोग प्लेस बताओ, अगर पॉसिबल होगा तो हम लोग ज़रूर उतरेंगे, और हो सकता है कि तो हम लोग लाइट भी कैरी करेंगे साथ में। तो चलो कोई बात नहीं, अगर मज़ा आएगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरा सिर्फ एक ही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग इस वीडियो को एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से ही देखो, ना कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी जाके ये सारी चीज़ें ट्राई करो, तो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से देखो, और जो जैसा लगता है आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना। बाय बाय।